हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुक्ता जैन फ्रॉम कानपुर और आज हमको मैगी से रिलेटेड कोई डिश बनानी है, जिसमें आज हम बना रहे हैं मैगी मंचूरियन बॉल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हमें मैगी से रिलेटेड कोई चीज़ बनानी है, जिसमें आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी मंचूरियन बॉल्स। तो उसके लिए हमें जो जो चाहिए वो है मैगी नूडल्स, डाइस्ड कैप्सिकम है, अनियन है, चॉप गार्लिक, चॉप कैप्सिकम, अनियन, टमाटो और डाइस टमाटो। उसके लिए हमें चाहिए रेड चिली सॉस, सोया सॉस, कॉर्नफ्लोर, चिली सॉस, मिक्स हर्ब, शेजवान सॉस, ऑरेगानो और विनेगर, उसके साथ सॉल्ट और ब्लैक पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक पैन में पानी डाल के मैगी को बॉईल करेंगे। अभी इसमें हम सिर्फ नूडल्स डालेंगे और इसका टेस्ट मेकर हम बाद में यूज करेंगे। देखिए, ये हमारी मैगी पक के सूख गई है। अब इसको ठंडा करके हम इसको सब इसमें समान सामग्री मिलाकर इसके बॉल्स बनाएंगे। अभी हमारी मैगी ठंडी हो गई है। अब इसमें हम कैप्सिकम, अनियन, कैरेट या टमाटो, जो भी आपके पास हो, और सारे कॉर्नफ्लोर, चिली सॉस, रेड चिली सॉस, शेजवान सॉस, ऑरेगानो, सॉल्ट डालेंगे। हम थोड़ा अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे, क्योंकि हमारे सॉसेस सारी चटनियों में भी सॉस पड़ा है, और मैगी मसाले का टेस्ट मेकर डालेंगे। और मैगी का टेस्ट मेकर इससे तो स्वाद ही बढ़ जाएगा इसका। अब इसको हम सबको मिक्स करके इसके बॉल्स बनाएंगे। अब हम इन मैगीज के बॉल्स बनाएंगे, थोड़ा पानी हाथ में लगा के, और हम इनको राउंड शेप में छोटे छोटे जितना आपको साइज चाहिए उस तरह हम सारे बॉल्स रेडी कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे सारे बॉल्स तैयार हो गए हैं। अब हम इनको कॉर्नफ्लोर में डिप करके और ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। और ये बात ध्यान रखिए, एक हाथ से आप अगर कॉर्नफ्लोर में डिप कर रहे हैं तो हमेशा दूसरे हाथ से ही ब्रेड क्रम में करिए, अदरवाइज आपका पूरा मिक्सचर खराब हो जाएगा। इसी तरह हम सारे बॉल्स तैयार कर लेंगे और फिर इनको डीप फ्राई करेंगे। अब इसमें हम सारे बॉल्स फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। देखिए, ये हमारे बॉल्स तैयार हो गए। अब हम इसके लिए सॉस बनाएंगे, तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले पैन में तेल डालेंगे, फिर हम जिंजर गार्लिक, चॉप जिंजर गार्लिक, चिली डाल देंगे, कैप्सिकम, अनियन सब डाल के अच्छे से सॉटे कर लेंगे। फिर हम सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस, रेड चिली सॉस, शेजवान चटनी सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इसमें डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम एक चम्मच विनेगर डालेंगे, और हमें ग्रेवी वाला बनाना है इसीलिए अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर को घोल कर डालेंगे, जिससे ये ग्रेवी वाला बनेगा। अगर आपको ऐसे ही रखना है तो इसमें आप बॉल डाल के इसको ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, और नहीं तो हम ग्रेवी वाला बनाने के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे।
कॉर्नफ्लोर डाल के लगातार चला लेंगे और ये हम पानी डाल के इसको हम ग्रेवी वाला रेडी कर लेंगे। मैगी मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे। वही हमारा मैगी मंचूरियन तैयार हो गया है। इसको हम ये देखिए, ये हमारा मैगी मंचूरियन बॉल तैयार हो गई है। आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। देखिए ये हमारे मैगी मंचूरियन बॉल जिसके हमने मंचूरियन बनाया है और इसको हमने सर्व किया है फ्राइड राइस के साथ। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।